अभी आए सब मजा आ रहा है अभी सुन के बड़ा मजा आ रहा है। सुधा का म्यूजिक जब मैंने सुना, पहले तो हमें कहा जाता है कि भाई एक गाना है कुमार जी करना है, इस तरह से बात शुरू होता है। हमने बोला अच्छा गाना है, कौन सा गाना है, क्या है। तो उन्होंने जब गाना हमको भेजते हैं, हम उस गाने को सुनते हैं, तब हम सेलेक्ट करते हैं कि गाना, क्योंकि आजकल थोड़ा बहुत चूजी हो चुका हूँ मैं तो। नेचुरली बहुत गाना गाया मैंने पब्लिक के लिए, और पब्लिक के लिए प्रोड्यूसर के लिए बहुत दौड़ा। अभी क्या है, मैं थोड़ा सा अपने मूड में काम करता हूँ, इसलिए सिलेक्टिव थोड़ा सा हो गया। तो जो भी है, ये गाना जब मेरे को सुनाया तो अमेजिंग, इसका म्यूजिक कंपोजिशन मेरे को इतना पसंद आया, तो तुरंत हमने सेलेक्ट किया। मैं बोला कि स्टूडियो बुक करो चलो, तो सुधाकर जी भी आ गया। सुधाकर जी हमारे लिरिक्स, हम लोगों ने साथ में बहुत सारा हिट गाने दिए हैं। आप लोगों ने, आप लोगों को बहुत मालूम होगा, हमने कम से कम 200-300-400 गाना तो दिया ही होगा। 300 से ऊपर गाना खाली सुधाकर जी का। तो काफ़ी गाने हम साथ में किए बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ। बट न्यू कमर, एज ए न्यू कमर, बिना कि जिस तरह कॉम्पोजिशंस आज के ज़माने में लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इस तरह के गाने लेके कोई खेल जाए, इसमें डेफिनेटली डायरेक्टर प्रोड्यूसर का मैं हिम्मत की इजाज़त दूंगा। ये बहुत बड़ी, ये एक हिम्मत वाली काम है कि इस तरह के एक क्लासिकल टच, नॉट क्लासिकल बट क्लासिकल टच थोड़ा बहुत उसमें है, बट इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, बट इट्स अ टोटल फुल ऑफ मेलेडी। ऐसे गाने जो पिनाकी ने कंपोज किया, एंड थैंक्स पिनाकी के इस तरह के गाने लेके मेरे पास आए। मैं चाहूँगा कि इस तरह के गाने लेके और भी लोग मेरे पास आएंगे, तो डेफिनेटली मैं उसके लिए गाऊँगा। एंड मैंने गाया गाना, सब लोगों को, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मेरे को लगता है कि पब्लिक को भी बहुत पसंद होगा ये गाना। एंड चेज के लिए मैं ये कहूँगा कि ऑल द बेस्ट, पिक्चर भी हिट होना चाहिए, कि जब तक पिक्चर हिट नहीं होता है तब तक गाने पिक्चर के साथ डूब जाता है या तो पिक्चर के साथ खेल जाता है। तो ये एक चाल है, ये एक चाल हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री में है कि पिक्चर अगर हिट हो जाता है तो गाने भी साथ साथ चल पड़ते हैं। तो आई थिंक, आई होप दैट पिक्चर विल गो, पिक्चर विल डू गुड। अच्छा सुरेंद्र जी, पिक्चर का जो बूम लगा दूं कि वाइट करेंगे, आप वाइट इसके बाद करो, एक क्वेश्चन के बाद। हां हेलो कनो, पिक्चर में पूरी स्टार कास्ट नहीं है पर प्रोडक्शन वैल्यू काफी है। पिक्चर का गाना 2 दिन पहले ही जी ने रिलीज किया है, इस गाने को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अब ये गाना आपकी फिल्म को कितना एक्सपोजर दे रहा है और क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये फिल्म एक सत्य घटना का ऊपर है, ट्रू स्टोरी का ऊपर है, पुलिस डिपार्टमेंट का, कैसे करके पुलिस हमारे लिए काम करते हैं, पुलिस कैसे करके बाहर में काम करते हैं, सिर्फ पुलिस नहीं, पुलिस का साथ उसका फैमिली भी कितना सफर होता है, कितना काम करते हैं। तो जब हमारा जो हीरो है इमरान है,
शेख इमरान का कैरेक्टर निभाया दीपांजन और अमित सेठी विलेन का कैरेक्टर निभाया सत्तू का। तो जब से शेख इमरान घर आते बहुत दिन का बाद और उनका बीबी और बच्चे वेट करते हैं, उसको पता ही नहीं है आज रात को आएंगे और फिर नेक्स्ट डे सुबह वो निकल जाते हैं, तो ये दोनों का अंदर में कुछ रोमांस प्यार है ये दिखाने के लिए। तो मैंने पिनाकी को बोला जी ये गाना अगर कोई कर सकता है तो शानू। सबसे पहले मैंने सुधाकर जी से बात किया, सुधाकर जी से बात करने के बाद पिनाकी से बात किया, मेलोडी तैयार किया, शानुदा को भेजा, कृष्णा जी से बात किया, फिर शानुदा बोला ठीक है। शानुदा बहुत बिजी था, विदेश जाने वाले थे, तो मुझे समय दिया, पिनाकी को समय दिया, इसी घर में यहीं पर ही गाना रिकॉर्डिंग हुआ और पिक्चर करके ये गाना अभी बहुत 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 अपने बहुत डेयरिंग के साथ ये इस तरह के गाने कोई लेके खेल सकता है, बहुत कम लोग होता है कि इतना डेयरिंग किसी में नहीं है यहाँ पे कि अच्छा मेलोडी लेके खेले। सब तो हुल्लड़ तो सब करते ही रहते हैं, तक वो उसको मालूम है कि बस फुट्टे पिंग गाना चल जाएगा, हमारा गाना हिट हो जाएगा हमेशा। लेकिन लोग जो भी आता है वो बोलता है कुछ ऐसा है एकदम हिट हो जाए। हाँ बस ये मेरे पास आए बोले जो आपको अच्छा लगता है गाना। बहुत ही हिम्मत वाली काम है। मैडम से मैंने बात किया इस पिक्चर का, पहले तो इस पिक्चर में गाना नहीं था, तो पिक्चर खत्म होने वाला था। हम लोग बैंकॉक से जब वापस आ रहे, नेपाल से जब वापस आ रहे, तो मेरा प्रोड्यूसर का बात हो रहा था जी एक चाहिए जहाँ पर रिलैक्सेशन और फैमिली कैसे सफर होता है ये चाहिए। मैं बोला मैं ही आपको कहना चाहता हूँ, तो बोला चले वो जो शानुदा का जो गाना है वो गाना मैं पिक्चरेशन करना चाहता हूँ और सीम का साथ। फिर पिक्चर खत्म होने का बाद फिर 3 दिन का शूटिंग हम लोग किए करके ये वाला पिक्चर गाना हिट है। जो हमारा गाना हिट है ना सनम मेरे हमराज, तो पिक्चर शूट हो गया था उसके बाद ये गाना हिमेश ने ठीक इस तरह से मेरे से रिकॉर्ड कराया, बोलता कि नहीं ये गाने को तो फिर रीशूट किया, मतलब ये गाना तो रखना ही पड़ेगा पिक्चर में, फिर रीशूट किया और वही गाना सुपर डुपर हिट हो गया उस पिक्चर में। तो ये गाने में मुझे ऐसे ही लग रहा है मेरे को कुछ। और YouTube में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप आ रहा है, बहुत सारे कमेंट आ रहा है और इसका बहुत सारा ट्रोल भी हो रहा है। तो दादा का बहुत दिन बाद गाना ऐसे का कहते जैसे 90s फेवर लगता है। अंजलि पिनाकी जी आप क्या कहेंगे पूरे गाने के बारे में, जैसे दादा ने बहुत तारीफ की और भी नई सुविंदर जी मेरे बड़े भाई एक मिनट शुभेंदु जी ने जब मुझे बताया जो ऐसा गाना गाना है करना है और दादा से गाँव गवाना है, तो मेरे पास तो ये पंडितों का पंडित है, मैं क्लासिकल गाने से हूँ, लेकिन दादा ने अभी जिक्र किया जो क्लासिकल है लेकिन मेलोडी भी है, क्लासिकल जैसा है लेकिन पूरा क्लासिकल नहीं है। तो बचपन से इनका गाना सुनकर मैं बड़ा हुआ हूँ, यस बॉस का गाना जब मैं छोटा था तब मैंने सुना था, तो मैंने कोशिश किया, डर भी लग रहा था जो दादा को पसंद आए या नहीं आए, और इंस्ट्रूमेंटेशन फ्लूट वगैरह वगैरह जैसा मैंने यूज़ किया तो दादा को सुनाया, भगवान ने आशीर्वाद किया, दादा ने आशीर्वाद।